तो गाइज ये हमें मिला है गिफ्ट, पैरकॉस कंपनी का परफ्यूम बताया जा रहा है, लेकिन इस गिफ्ट के पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको पहले बता दूं। तो कल एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड ने मुझे और सुरभि को इनवाइट किया था डिनर पे ताज होटल में, और हम लोगों का भी ये पहला एक्सपीरियंस था ताज में जाने का। तो गाइज आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला हूँ जो मेरे लिए भी बहुत पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी सुरभि को मैंने ऑफिस से उठाया और अब हम सीधा निकल रहे हैं होटल की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल ताज। चलो घुसो 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 घुसो, दोनों एक ही में जाएंगे। अच्छा, और चलो हम लोग गाना पियानो सुनते। पियानो कौन सा होटल है? ये है होटल ताज। ताज है? तुम्हें पता ही नहीं था ताज में आ रहे हैं हम लोग? नहीं, मैं ऐसे बार में पूछ रहा हूँ। लेट्स एंजॉय द एंबियंस। वाओ, अच्छा बजाय। चलो खैर गए वहाँ पे, खाना खाया, काफ़ी देर तक बातें की, लेकिन वहाँ पे ना अब जैसे हम लोगों को तो पता ही है कि 26/11 को क्या हुआ था, तो वो सारी फीलिंग इतनी तगड़ी वहाँ पे महसूस हो रही थी ना। वही सारे फ्लोर हम लोगों ने देखे जहाँ पर पूरा शूट आउट हुआ था। अरे यार, कमरे भी देखे, वो कमरा भी देखा, फिर वो सेम कारपेट जैसा पहले हुआ करता था जिसपे ब्लड के स्टेन वगैरह लगे थे, हालांकि मॉडल वही रखा है, कारपेट बदल दिए गए। खैर बहुत लोग तो स्टे भी नहीं करना चाहते वहाँ पर, कि वो अगर रहेंगे तो उनको वो सब चीज़ें यादें आएंगी। जब हम लोग कमरे में घुसे ना, एक तो कमरे में एकदम शांति, और सही बताऊँ तो मैं अकेला तो वहाँ रह नहीं सकता, ज़्यादा उनको पता नहीं चलता। ये आ गई। तो ये है मेन एंट्रेंस। ये जो मेजर फिल्म आई थी ना, मेजर फिल्म की शूटिंग इधर ही हुई थी, तो फिर इस कमरे में वो धुलिप्ता छिपी हुई थी और टेररिस्ट वहाँ घूम रहे थे। बहुत गाइस, मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ का टूर दूँ। बहुत सारे होटल का टूर दिया है ना, तो अब टूर टूर ही बोलते हैं ना, कुछ भी मतलब होटल रूम का टूर देता हूँ, टूर टूर टूर। तो अभी तो पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बैठना कहाँ है। जस्ट यहाँ गेट से एंट्री लिया, उधर ये रूम है एक, ये ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल काम करना हो तो ऑफिस एरिया उस तरफ, यहाँ पे भी बैठ के इंतज़ार कर सकते हो। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे टीवी लगी हुई है, एक बार ऊपर चल के देख ही लेते हैं। अरे वो उधर गए हैं। अच्छा, बेडरूम भी है प्लस उधर वॉशरूम। बहुत बढ़िया यार, एकदम पूरा लग्जरी। और देखिए ये इस तरफ डाइनिंग एरिया है, वॉशरूम, ऐसा लगा किसी दूसरे के घर में ना घुस जाए। ये किचन एरिया है, ये कहाँ निकलता है ना, ये लॉक है।
बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुई और अभी 12 बज गए हैं खाते पीते, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से मीरा रोड के लिए। फ़ोटो और वीडियो तो यहाँ पे इतने कमाल के आते हैं ना, क्या ही बताएं हम। सुरभि आधी नींद में है, बस ये घर पहुँचने का इंतज़ार कर रही है। मतलब यहाँ पे लग्जरी भी है इसकी, ऑथेंटिसिटी भी है। 2008 को मैं मुंबई में आया था और ये 2022 में जा करके तो ये है वो गिफ्ट जो उन्होंने दिया जाने के टाइम पे। अब इसको हम अनबॉक्स करके दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वंडरफुल गिफ्ट। आप कंटिन्यू हमारा ब्लॉग वॉच करते हो। मैंने भी उस टाइम थैंक यू बोल पाई थी, याद भी नहीं आ रहा है। उस टाइम मैं एकदम नशे में ही थी नींद के मतलब हाँ, हम लोग 11 बजे तो पहुंचे ही थे, फिर 2 बजे आए। हालांकि उन्होंने बुलाया था 9 बजे, हम लोगों को 9 बजे तक पहुंच जाना था, लेकिन ट्रैफिक इतना था। सुरभि को ऑफिस उठाया, फिर पहुंचा ही कितना, 10:30 बज गए थे, 10:15 बजे पहुंचा। उसके बाद फिर डिनर विनर चालू हुआ, घर आते आते 3:30 बज गए थे। हम लोग गाड़ी में कैसे सो गए तो मुझे पता भी नहीं चला, मैं घर आ गई। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं 2008 में मुंबई आया था, बट इतने सालों में आज पहली बार होटल ताज में जाने का मौका मिला। सो थैंक्स टू माई फैन जो वो रेगुलर मेरा ब्लॉग वॉच करते हैं, जिन्होंने डिनर पर इन्वाइट किया और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस दिलाया। फ़ैन नहीं है अब तो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। फैन कहना अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, फैन नहीं कहेंगे किसी को। वो खुद कह रहे थे, अरे हम तो आपके फैन हैं। मैं कहना नो, यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। दिखाओ जरा कौन सा परफ्यूम है यार। क्या ये छोटा है तो मेरा ही होगा, तुम लंबू हो, तुम्हारा लंबा है, टॉयलेट है तुम्हारा, मैं ही खोलती हूँ, सेम ही होगा। वाह, मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि इस तरह का कुछ कोई बढ़िया परफ्यूम रहे। ये है तुम्हारा। हाँ, वो कलर से देख के पता चला क्या? हाँ, तुम साइज देख करके जो है तुम छोटा अपना समझ ली थी क्या? मुझे लगा तुम्हारा बड़ा होएगा, तुम मेरा छोटा होएगा। ऐसा कुछ लेडीज पेडीज नहीं लिखा है। पेडीज लेडीज क्या होता है? लगा के देखो, समझ में आ जाएगा।